लेडीज एंड जेंटलमैन, इन दिस एपिसोड ऑफ गुड गेम न्यूज हम बात करने वाले हैं अबाउट सम ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने प्लेयर्स को वापस से पेमेंट नहीं दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट अ डायरेक्ट रिप्लाई ऑफ स्काउट टू नियो जो उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में किया। PGMI टीम्स कंफर्म्ड जो दुबई जा रही हैं अगर यहां पर PGMI के ऊपर से बैन लिफ्ट नहीं होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट द फ्री फायर टूर्नामेंट जो ऑफिशियल्स की तरफ से आ रहा है एंड अंकुश फ्री फायर की टीम फ्री फायर का टूर्नामेंट जीती भी है, उनके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। बट हाँ, अगर आप लोग ने हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर रखा है तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता ही होगा बिकॉज हम एपिसोड पब्लिश करने से पहले सारे के सारे लीक्स हम डिस्कॉर्ड पे डाल देते हैं। सो अगर आप लोगों ने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट हाँ, अब हम यहाँ पे हमारा एपिसोड शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन द एक्शन। मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल शोर काफी ज्यादा था बट हाँ, टीम सोल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है इन पबजी मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल। रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं एंड येट अगेन थाईलैंड की टीम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स यहां पे जीतती हुई दिखाई दे रही है एंड हैज लिफ्टेड द क्राउन ऑफ द PMWI 2022 मेन इवेंट। जी हाँ, बट हाँ, अगर यहाँ वैम्पायर ईस्पोर्ट्स की बात करें तो बहुत ही अप्रतिम परफॉर्मेंस हमें आती हुई दिखाई दी फ्रॉम द डे वन टू डे टू एंड फाइनली द फाइनल नेल इन द कॉफिन यहाँ पे निकालते हुए दिखाई दिए इन द डे थ्री। सेकेंड पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे होस्ट कंट्री से ही टीम फाल्कन्स आती हुई दिखाई दे रही है जो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर आए हैं। थर्ड पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टॉलवर्ड ईस्पोर्ट्स एंड निग्मा गैलेक्सी एट फोर्थ एंड डैवमन गेमिंग यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पर रिस्पेक्टिवली आती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया की टीम इंडिया टीम सोल यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द डे से बॉटम 10 में हमें आती हुई दिखाई दी। हाँ, कुछ अच्छे क्लचेस और कुछ अच्छे फिनिशेस और कुछ अच्छे पिकाटो की फाइट्स हमें देखने को जरूर मिली। अनफॉर्चुनेटली हमें टीम सोल सेकंड वीक में तो खेलते हुए नहीं दिखाई देने वाली बट हाँ, सेवन सीज ईस्पोर्ट्स का इंतजार हमें जरूर रहने वाला है। अगर हम यहां पे बात करें टीम सोल का तो 11th पोजीशन पर हमें खत्म होती हुई दिखाई दी ऑन द फाइनल मैच डे। इंडिविजुअल प्राइजेस की अगर हमें बात करते हैं यहां पे टीम सोल के हाथ एक प्राइज जरूर लगा है एंड अगर हम यहां पे सारे प्राइजेस की बात करें तो MVP यहां पे एक्शन बनते हुए दिखाई दिए फ्रॉम स्टॉलवर्ड ईस्पोर्ट्स, गनस्लिंगर स्टोन बनते हुए दिखाई दिए फ्रॉम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स, ग्रेनेड मास्टर यहां पे ट्विप्स बनते हुए दिखाई दिए फ्रॉम वैम्पायर ईस्पोर्ट्स एंड ईगल्स आई का यहां पे खिताब हेक्टर जीतते हुए दिखाई दिए फ्रॉम टीम सोल एंड मेडिक मास्टर का खिताब यहां पे GZ फ्रॉम रीगन्स गेमिंग जीतते हुए दिखाई दिए। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट TEC चैलेंजर्स सीरीज नंबर 8 जिसमें एनिग्मा गेमिंग 3-1 से VLT को हराती हुई दिखाई दी एंड यहां पे TEC चैलेंजर्स सीरीज #8 का कप अपने साथ घर लेके जाती हुई दिखाई दी। अब वेलोसिटी गेमिंग को यहां पे दो मैप बैन एडवांटेज था, यानी कि एनिग्मा गेमिंग यहां लोअर ब्रैकेट से आई थी और वेलोसिटी गेमिंग यहां अपर ब्रैकेट से आई थी तो इसी का एडवांटेज यहां पे वेलोसिटी गेमिंग को दिया गया। वो दो मैप्स अपने हिसाब से बैन कर सकते थे और एनिग्मा गेमिंग को वेलोसिटी के मैप्स पे उन्हीं को हराना था एंड दैट टू कमिंग फ्रॉम द लोअर ब्रैकेट। अब वेलोसिटी गेमिंग ने सबसे पहले फ्रैक्चर और एसेंट को बैन किया जहां पर बाकी बचे 5 मैप्स में उनको ब्रीज, हेवन, बाइंड और आइस बॉक्स और लास्ट पर्ल पे खेलना था। बट सबसे पहला मैच ब्रीज पे होता हुआ दिखाई दिया जहां पे उन्होंने 36 से एनिग्मा गेमिंग को शिकस्त दी एंड एनिग्मा गेमिंग यहां पे डिफेंडर साइड पे एक भी राउंड नहीं निकाल पाई। बट देयर कम्स द कमबैक, हेवन में ओवर टाइम में जाके एनिग्मा गेमिंग ने 16-14 से VLT को उन्हीं के मैप में हराया और उसके बाद 14-12 से बाइंड का मैच भी जीता और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कमिंग टू अ क्लोजर आइस बॉक्स में 13-6 से VLT को तो हराया ही हराया उन्हीं की मैप चॉइसेस में। बट साथ ही साथ TEC चैलेंजर सीरीज नंबर 8 का खिताब अपने साथ लेकर जाते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ यहाँ पे रॉ फ्यूल फ्रॉम एनिग्मा गेमिंग पूरे के पूरे टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनते हुए दिखाई दिए। अब TEC चैलेंजर सीरीज नंबर 8 के बारे में जो मर्जी कहें बट जो वाइब है लैन की वो हम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्प्ले कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले, काफी ज्यादा क्रिएटर्स हमें देखने को मिले एंड यहाँ पे क्रिएटर्स के बीच में भी हमें यहाँ पे भिड़ंत होती हुई दिखाई दी एज टीम ब्रावो एंड टीम अल्फा। अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो हम बात करने वाले उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो अपने प्लेयर्स और अपने कोचेस को पे नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर फुल पावर गेमिंग, आपको पता होगा टीम स्नेक्स जो अब डिफरेंट कॉल साइंस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर खेलती हुई दिखाई दी एंड दे जस्ट थोड़ी देर पहले ही उन्होंने यहाँ चेंज किए थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, फुल पावर गेमिंग के अंडर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका रोस्टर वैलोरेंट इन साउथ एशिया फ्रॉम पाकिस्तान, वहीं पे उनके एक प्लेयर स्टोरैक्स की यहाँ पर ट्वीट्स आते हुए हमें दिखाई दिए जहाँ पे वो बोलते हैं दैट ऑर्गेनाइजेशन उनको पे नहीं कर रही है। उन्होंने यहाँ पे न्यूमरस स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए हैं जहाँ पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्यूजेस बनाती हुई दिखाई दे रही है दैट दे हैव नॉट पेड देयर प्लेयर्स एंड कोचेस। और साथ ही साथ आप यहाँ पे ट्वीट्स भी देख सकते हैं और वो ये भी बताते हैं दैट उनके कोच को 3 महीने से कुछ भी पेमेंट नहीं मिला है एंड दिस इज नाउ अ शॉकर बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तान की काफी जानी मानी टीम है फुल पावर गेमिंग एंड यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में भी काफी ज्यादा दबदबा रखते हैं। बट अब पेमेंट में क्या इश्यूज आ रही हैं ये हम यहाँ पे फिलहाल कुछ कह नहीं सकते।
अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हम, तो यहाँ पे गॉडलाइक स्पोर्ट्स के ओनर क्रॉन्टन की तरफ से न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है और उन्होंने यहाँ पे अपने एंड उन्हीं की एक बातचीत यहाँ पे सामने आई है जहाँ पे वो कहते हैं दैट अगर BGMI अनबैन नहीं होती है यहाँ इंडिया में तो वो दुबई शिफ्ट होने वाले हैं अपनी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एंड अब देखिए यहीं से थोड़ा सीन मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज अभी तक क्राफ्टन की ओर से कोई भी रेवल्यूशन नहीं आई है यहाँ पे एंड क्रॉन्टन ने भी यही कहा है दैट अगर यहाँ इंडिया में PGMI अनबैन नहीं होती है तो दुबई जाने वाले हैं उस रीजन से जाके कम्पीट करने वाले हैं बट देर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम ई-स्पोर्ट्स एंड जहाँ पे वो गॉडलाइक को पहुंचा चुके हैं वहां से वो पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हैं। और ये सेम सिचुएशन हमें केमिन ई-स्पोर्ट्स की भी आती हुई दिखाई दे रही है, उन्होंने भी यही बोला दैट वो इंडिया छोड़ने वाले हैं और अगर BGMI वापस नहीं आती है तो वो दुबई या और कंट्रीज में शिफ्ट होने वाली है। काफी समय के बाद अब गरीना ने CIS रीजन के लिए एक नया टूर्नामेंट अनाउंस कर दिया है जो कि बहुत जल्दी हमारे लिए आने भी वाला है एंड इट इज गोइंग टू बी नेम्ड एज द पाथ ऑफ द चैंपियंस। एंड इस टूर्नामेंट का जो चैंपियन होने वाला है वो वर्ल्ड सीरीज में इस रीजन को, एक पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट करने वाला है। बट इंडिया में तो फ्री फायर बैंड है और इंडिया के टीम्स क्या ये टूर्नामेंट खेल पाएंगे या नहीं इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। बट हाँ, प्राइस पूल की मैं बात करना चाहूंगा तो 700,000 डायमंड्स प्लस 10,000 US डॉलर्स का प्राइस रखा गया है एंड यहाँ पर अब BGMI के साथ साथ फ्री फायर की एक दयनीय सिचुएशन यहाँ इंडिया में बन रखी है एंड जितनी भी टीम, जितना भी टैलेंट यहाँ पे बैठा है सारे के सारे हाथ जोड़कर बैठे हुए दैट ऑफिशियल्स आ रहे BGIS उधर आ रहा है, उधर आ रहा था एंड फ्री फायर के ये CIS रीजन का टूर्नामेंट यहाँ पर आ रहा है एंड दोनों की दोनों गेम्स यहाँ पर बैंड है। क्या लगता है आपको, आर दे कमिंग बैक ऑन नॉट? साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं अबाउट अनदर फ्री फायर टूर्नामेंट दैट इज फ्री फायर RNX ऑल स्टार्स इनविटेशन। इसके रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं एंड बहुत ही खुशी से हम बताना चाहते थे अंकुश फ्री फायर की टीम यहाँ इस टूर्नामेंट को जीती हुई दिखाई दे रही है एंड हेक्स ई-स्पोर्ट्स यहाँ सेकंड पोजीशन पर आए एंड हेड हंटर्स की टीम यहाँ थर्ड पोजीशन पर आती हुई दिखाई दी। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट स्काउट्स रिप्लाई टू नियो। डायरेक्टली उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में नियो को रिप्लाई दिए जहां पर शायद नियो ने उनको बोला था दैट PMGC के सामने PMWI कुछ भी नहीं है और स्काउट ने डायरेक्टली इस बात का क्या रिप्लाई किया, आइए आपकी स्क्रीन पे आपको सुनाते हैं। सब बोल रहे थे PMWI इज ईजियर देन PMGC। आई वुड जस्ट से कि जो टीम्स यहाँ पे खेल रही है वो भी अपने एरिया से क्वालिफाई होकर आई है, इसका मतलब इस टूर्नामेंट में बाकी टीम्स जो PMGC में खेली थी वो क्वालिफाई नहीं हुई है। प्लीज़ अपने ऑडियंस को मिसगाइड मत करो, उनको चीज़ें बताओ ना कि चुप रहना गलत बात है। अब स्काउट की ये बात सुन के आपको क्या लगता है दैट कौन सा टूर्नामेंट ज्यादा टफ है, इज इट गोइंग टू द PUBG मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप और द PUBG मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड आपको क्या लगता है कौन सही है, नियो या स्काउट, ये भी आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। अब अगले टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं तो एक बहुत बड़ी जुगलबंदी यहाँ पे हमें टूटती हुई दिखाई दे रही है। स्नैक्स यहाँ पर एक्सो को छोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। स्नैक्स एक्सो में February 2022 से खेलते हुए दिखाई दे रहे थे बट अब यहाँ पे ये जुगलबंदी जैसे कि मैंने कहा टूटती हुई दिखाई देने वाली है। अब आपको क्या लगता है दैट स्नैक्स की जगह एक्सो में कौन आने वाला है एंड स्नैक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले हैं, लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। गाइस आप लोग कमेंट नहीं करते मैं देख रहा हूं। पोकेमॉन यूनाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स ने यहां पर स्विफ्टी को ऐड कर लिया अपने पोकेमॉन यूनाइट के रोस्टर में। रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स.gg ने यहां पे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली है जहां पर उन्होंने स्विफ्टी को वेलकम भी किया है और उन्होंने यहां पे लिखा है दैट अहेड ऑफ पोकेमॉन यूनाइट वर्ल्ड चैंपियनशिप वी आर डिलाइटेड टू वेलकम स्विफ्टी जिनका नाम जीत कुंद्रा है टू आवर पोकेमॉन यूनाइट रोस्टर। सो वी डेफिनेटली विश स्विफ्टी ऑल द वेरी बेस्ट अलोंगसाइड रेवेनेंट एंड ऑल द इंडियन teams because world championship mein jeet kar hi aana hai, that is one thing that we need for sure. ab isi episode ko yahin pe khatam karte hain, please make sure that you guys like the video and please channel ko subscribe karna to bhoolna hi mat because hum log indian gaming community ke jitne bhi announcements, leaks, updates and controversies hain aap logon ke liye hamesha lekar aate rahenge in all these episodes. this is Tequila signing off for this episode, see you in the next one.